देखिए दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आप जानते ही होंगे कि यूट्यूब कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये अपना जो ऐप होता है, जो भी सॉफ्टवेयर है, उसमें हर मतलब पर डे कोई ना कोई न्यू फीचर्स अवेलेबल कराता रहता है। कभी इसके लिए मंथ भी लग सकता है, कभी इसके लिए ईयर भी लग सकता है। जो ये फीचर्स होते हैं, ये आपके एनालिटिक्स के लिए, आपकी चैनल ब्रांडिंग के लिए, आपके जो भी वीडियो का पार्ट एडिट करते हो, कुछ भी हो, उन सभी को और भी इजी कर देता है। आपकी टर्म एंड कंडीशन क्या आई हुई हैं, आपको फीडबैक कैसे देना है, मतलब जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, तो सबके लिए मतलब एक आसान प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाता है। तो YouTube ने कुछ ऐसे तीन बहुत ही बेहतरीन फीचर्स लॉन्च किए हैं, जिनको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, फिर अब चलते हैं अपने टैबलेट या फिर आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर। देखिए, सबसे पहले आपको YouTube का एनालिटिक्स खोलना है, ठीक है। जैसे ही आप एनालिटिक्स खोल देते हो, तो आपको एनालिटिक्स पर क्लिक करना देना है, और आपको यहाँ पर एक एडवांस मोड दिख जाएगा। एडवांस मोड पर क्लिक कीजिए, ठीक है। आपको एडवांस मोड क्लिक करते ही यहाँ पर कंपेयर टू लिखा हुआ है। इस कंपेयर टू पर आप जैसे ही क्लिक करते हो, तो आपको अपना जो एनालिटिक्स होता है आपकी वीडियोज़ का, इसमें तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट पीरियड ओवर ईयर ओवर ईयर, फर्स्ट 24 वीडियो परफॉर्मेंस, मतलब आपका जो आप एनालिटिक्स देखना चाहते हो कि आपके वीडियोस का जो ऑडियंस रिटेंशन है, आपके वीडियोस को लोग कितना देख रहे हैं, आपके चैनल को कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है, आपको कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, या फिर आपके मतलब परफॉर्मेंस कैसी है, या आप पीरियड बाई पीरियड देख सकते हो। पीरियड बाई पीरियड का मंथ ही होता है कि आप इस मंथ को सिलेक्ट करके यहाँ तक का मंथ का, जैसे हम अपने बैंक का स्टेटमेंट देखते हैं, उसी की तरह ही आप कंपेरिजन कर सकते हो कि पिछले तीन महीने में मेरा वीडियो का परफॉर्मेंस ऐसा था, और आने वाले मतलब जो अब ये तीन मंथ हैं, इनमें परफॉर्मेंस कैसा है। सेकंड ऑप्शन है ईयर बाय ईयर। आप देख सकते हैं कि पिछले साल जो ईयर था, उसमें मेरे पूरी वीडियोज़ का या फिर मेरे चैनल का परफॉर्मेंस कितना अच्छा रहा, और इस साल जो 365 डेज हैं, उसमें परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये आप कंपेरिजन कर सकते हो। और इसमें सबसे जो लास्ट फीचर्स है, वो है फर्स्ट 24 आवर। आप किसी भी वीडियो का 24 घंटे का, जो शुरू में वीडियो जैसे अपलोड करते हैं, तो उसके फर्स्ट 24 आवर का आप वो देख सकते हो रेस्पॉन्स क्या होता है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए अब हम कंपेयर करते हैं कि अपने फर्स्ट 24 वीडियो परफॉर्मेंस कैसा रहा। देखिए यहाँ पर क्लिक करते ही आपको दिखा दिया जाएगा जो आपकी टॉप परफॉर्मेंस वीडियो है, मतलब ये जो वीडियोज़ हैं लाइव प्रूफ ये वाली, इसमें आप मुझको शुरू के 24 घंटों में इतने व्यूज़ मिले थे। उसी टाइम जो सबसे कम व्यूज़ मिले मुझे ये मिले हैं इन वीडियोस के लिए। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो ऑडियंस है, वो किस तरह का कंटेंट चाह रही है, तो आप उसी तरह का कंटेंट अवेलेबल कराइए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपके चैनल पर रैंक करने ही वाली हैं, और इस तरह की वीडियोस ना बनाएं, क्योंकि ये आपके लिए डिसअपॉइंट है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अब इसके नेक्स्ट लास्ट 7 डे परफॉर्मेंस की। अगर इसमें आप कंपेरिजन करना चाहते हो कि 60 डे का परफॉर्मेंस करना है मुझे, 20 डेज का करना है, 90 डेज का, 1 ईयर, कुछ भी आप कंपेरिजन कर सकते हो। इसकी ये वाला फीचर्स मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इससे आपका चैनल और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर कंपैरिजन कर दिया ईयर बाई ईयर, ठीक है, लास्ट 28 डेज का, सॉरी। तो ये इधर से मुझे दिख गया। अब नेक्स्ट फीचर्स पे बात करते हैं, इसका एडवांस मोड ओपन करते हैं। ये हमने इसका एडवांस मोड ओपन कर लिया, कंपेयर करते हैं। इसमें आपको तीन ऑप्शन दिख जाते हैं, वीडियोज़ और ग्रुप्स। वीडियोज़ में तो आप किसी भी वीडियोज़ का क्लिक करके उसको 24 का आवर्स का, 7 डेज का, 28 डेज का, कोई भी परफॉर्मेंस देख पाओगे। पर ग्रुप में क्या करना है, आपको यहाँ पर क्रिएट ग्रुप करना है, मतलब आप सिलेक्टेड वीडियोज़ का परफॉर्मेंस देखना चाहते हो, तो क्रिएट ग्रुप करके आपको उन वीडियोज़ को सिलेक्ट कर लेना है जो आपको वीडियोज़ कंपेरिजन करनी हो, या फिर उनका रिव्यू देखना हो कि पिछले दिनों में कैसा था। जैसा कि मैंने यहाँ पर कर लिया है, ये रहा यहाँ से, इस तरह से मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके इसे सेव कर देता हूँ। ऐसा कर देने के बाद मुझे इन वीडियोज़ का दिख जाएगा कि परफॉर्मेंस कैसा है। मुझे सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी कि मैं इसको ही सेलेक्ट करके देखूँ या फिर इस वीडियो को इससे कंपेरिजन करके देखूँ। आप डायरेक्टली भी इसको देख सकते हैं क्रिएट ग्रुप करके, ठीक है दोस्तों। अब इसके नेक्स्ट और लास्ट फीचर्स की बात करते हैं, जो कि यूट्यूब ने बहुत ही शानदार फीचर्स प्रोवाइड किया है अपने यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए आपको क्या खोलना है, आपको एनालिटिक्स में जाना है और ऑडियंस पर क्लिक करना है, ठीक है। ऑडियंस पर क्लिक कर देने के बाद आप नीचे देखेंगे कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस तरह का चैनल देख रही है। देखिए यहाँ पे जो एक ऑप्शन दिया हुआ है, बताते हैं अदर चैनल योर ऑडियंस वॉचेस, मतलब आपकी जो
ऑडियंस है जो आपको देख रही है वो ऑडियंस और किन चैनल में इंटरेस्ट रखती है, इससे आप ये समझ जाओगे कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस तरह का कंटेंट चाहती है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जो ऑडियंस उनके कंटेंट में मतलब इंटरेस्ट रख रही है वो आपके आपके चैनल पर ऐसा कंटेंट है कि नहीं, तो आपको सेम ऐसा ही प्रोवाइड करना है, उनके चैनल का एनालिटिक्स देख लेना है, ठीक है। यहाँ से आप अदर चैनल का एनालिटिक्स मतलब वो देख सकते हो कि आपकी वीडियो क्या रैंक कर रही है या नहीं। और इसके नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है, यह अदर वीडियोज़ योर ऑडियंस वॉच, मतलब आपकी जो ऑडियंस है वो किन वीडियोज़ को देख रही है। इससे क्या होगा कि आपके चैनल की और परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपकी ऑडियंस क्या देखना पसंद कर रही है। और चैनल ग्रो करने के लिए सबसे ज़रूरी टिप्स ये होती है कि जो ऑडियंस आ रही है आप वही प्रोवाइड करो, ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही न्यूज़ अपडेट वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।